हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एक सुंदर सा गुलदस्ता जो कि नकली नहीं है, रियल में है। आप देखें कितना खूबसूरत है ये, सिर्फ 25 डेज में तैयार हो जाता है और वो भी आपके पोर्टू इलाका फ्लावर, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं उससे बनकर मैंने तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, इसी पर मेरी आज की वीडियो है। मैं आपको दिखाऊंगी कितना आसान है इसे बनाना घर पर। फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं। ये पोर्टू इलाका मेरे पास बहुत सारे हैं और ये बहुत बढ़ गए हैं। ऑब्वियसली इनकी कटिंग करने का टाइम आ गया है, तो मैं इन्हीं से एक प्यारा सा गुलदस्ता फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ। आपको लगभग ये 8 इंच तक लगभग आपको तोड़ने हैं। ये कटिंग मैंने कर ली है। उसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे से जितने भी इसके लीव्स निकले हुए हैं उन लीव्स को आपको हटा देना है। 25 से 30 ब्रांचेज आपको निकालनी हैं और ऐसे ही उसकी लीव्स हटा देनी है। ये मैं लीव्स सारी हटा चुकी हूँ। मैंने ऊपर टॉप पर रबर बैंड कर दिया है। 3-3 की ब्रांच मैंने ली है और उसे मैंने जिस तरह से हम गुदते हैं चोटियाँ, उसी प्रकार से हम इसे गुद देंगे ताकि ये एक साथ जॉइंट हो जाए, मजबूती आ जाए और सीधा खड़ा रहे। आप उसके बाद बस आपको करना है टॉप पर रबड़ बैंड लगा देना है। चाहे आप रबड़ बैंड लगाएं, चाहे आप किसी धागे से भी बांध सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मैंने कई ब्रांचेस तैयार कर ली हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी ब्रांच को आपको एक साथ इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद इसके डाउन और टॉप पर आपको रबड़ बैंड लगा देना है ताकि ये एक गुलदस्ते का आकार ले सके। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, इसे बांध देना है अच्छे से। इस तरह से आप कई सारे ब्रांचेस को बना सकते हैं, गुलदस्ते को रूप दे सकते हैं। वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है, ड्राइंग रूम की शोभा रखता है। आप इसे दिन भर धूप में रखें। अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये पोर्टू इलाका मॉर्निंग टाइम पर खिलते हैं फूल, सुबह के टाइम आप अपने से इस ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। तो ऐसा ही मैं भी करती हूँ। तो देखिए, बस इसके लिए जो सॉइल आपको तैयार करनी है वो बहुत ही सॉफ्ट हो। कोकोपीट की मात्रा आप ज़्यादा रख सकते हैं, बाकी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। बस आपको इतना ही करना है, इसकी मिट्टी को प्रेस कर देना है। अब छोटे से पॉट में रखकर एकदम गुलदस्ते का रूप लगता है, ये सुंदर लगता है। आप ड्राइंग रूम में, आप अपने बेडरूम में, कहीं भी आप सुबह के टाइम रख सकते हैं। बाकी आप इसे दिन भर धूप देते रहिएगा। तो ऐसे सुंदर सुंदर पॉट मैंने कई सारे बना के रखे हुए हैं, तो मुझे लगा अपने व्यूअर्स से मुझे शेयर करना चाहिए। बस ध्यान रखें, आप इसकी मिट्टी को ज़्यादा वेट गीला ना रखें, नॉर्मली पानी देते रहें। तो बस ये आपका पॉट बनकर तैयार हो चुका है। कितना आसान है, 15 से 20 दिन के अंदर में आपके इस गुलदस्ते में फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। ऊपर से कटिंग कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल गुलदस्ते का रूप लगे। जब इसमें फ्लावर आए तो आपको गुलदस्ते का लुक लगना चाहिए। ऊपर से कटिंग कर दी तो अब ये रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये रिजल्ट जो है 7 डेज़ का है। 7 डेज़ बाद आप देखिए इसमें फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। आप इसे पूरी धूप दीजिएगा, कुछ ही दिनों के बाद इसके अंदर बहुत सारे फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो एक सुंदर लुक लगता है ये। मैं अब देखिए, ये रिजल्ट 14 डेज़ का है। अब इसके अंदर बहुत सारी कलियाँ खिलने लगी हैं और ये रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी 20 डेज़ का है। अब इसके अंदर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। मैं मॉर्निंग के टाइम पर इसे अपने ड्राइंग रूम में रख देती हूँ। उसके बाद इसे मैं धूप देने के लिए पूरा दिन बाहर बालकनी में छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखिए ये रिजल्ट जो है वो 23 डेज़ का रिजल्ट है। बहुत सारे फ्लावर आने लगे हैं। आप देखिए, लुक पूरा गुलदस्ते का लग रहा है, लेकिन ये असली है, नकली नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को भी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।